जो पूजन की थाली आपने सिक्के रख रखे हैं, उसी पूजन की थाली में जल का छींटा देकर रोली चावल मोली हल्दी से पूजन करना है, लाल पुष्प समर्पित करना है, साथ देकर रोली चावल मोली हल्दी से पूजन करना है, लाल पुष्प समर्पित करना है, साथ दो हल्दी की गटर। भगवान कृष्ण को भोग लगाया, गोवर्धन नाथ जी को भोग लगाया, वो 56 भोग नहीं था, वो अन्नकूट था। इसलिए आज भगवान गोवर्धन नाथ जी का अन्नकूट महोत्सव का एक आनंद है। तीन भोग होते हैं, अन्नकूट, 56 भोग और कुनवाड़ा। महाराज दीपावली के दूसरे दिन जो आप भगवान को भोग लगा रहे हो, ये अन्नकूट है। 56 भोग कब लगे? जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर लिया, 7 दिवस तक जलवृष्टि हुई, 7 दिवस भगवान पर्वत को अपने उंगली पर धारण कर रखे। एक दिन में मेरे श्री जी बाबा को, मेरे ठाकुर को, मेरे कन्हैया को, मेरे कृष्ण को एक दिन में 8 बार भोजन आता है। 7 दिन तक भगवान जब तक गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण करके रखे, तब तक भगवान ने कुछ नहीं पाया। और जब 7वां दिन पूर्ण हुआ, तो एक दिन में 8 बार भोग लगता था, इसलिए 7 दिन का 8 बार का भोज इकट्ठा करके भगवान के सामने रखा, तो सतवटु 56। ऐसे भगवान के सामने 56 भोग आया। तो आज जो भोग लग रहा है वो अन्नकूट है, वो अन्नकूट है महाराज। तो महाराज जो दीपावली के दूसरे दिन लगा वो अन्नकूट है। पर्वत उठाने के बाद 7 दिन का जो भोज इकट्ठा हुआ वो लगाया, वो 56 भोग है। और भगवान कृष्ण के साथ में सारे ब्रजवासी नंद बाबा के साथ में मिलकर जो भगवान गोवर्धन नाथ जी का प्रति समय पूजन करने जाते थे और जो भगवान को भोग लगाते थे, वो उसको कुनवाड़ा कहा गया। कुनवाड़े का मतलब है कुनवे के साथ, परिवार के साथ में जाकर भगवान को भोग लगाया जाए, वो कुनवाड़ा है, वो कुंजवाड़ा है। सारे के सारे गिरिराज बाबा के चरण। सब किसम मिलकर गिरिराज बाबा के चरणारविंद में जाने लगे और बाबा के चरणों में पहुंचकर निवेदन करा है। गिरिराज बाबा से कहा, बाबा जलवृष्टि हो रही है, कृपा करिए। भगवान बोले, गोवर्धन पर्वत में से आवाज आई, कृष्ण मैं हल्का हो जाता हूं, तो अपनी छोटी सी उंगली पर मुझे धारण कर लो। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन नाथ जी को अपनी छोटी सी उंगली पर धारण करा। 7 दिवस बरखा भारी हुई, तब जाकर इंद्र क्षमा मांगने आए और गोवर्धन नाथ जी को भूमि पर रखकर भगवान कृष्ण ने कहा, गोवर्धन नाथ जी कली में तुम सम देव ना दूजा, सुर नर मुनि सब करते पूजा। हे गोवर्धन नाथ, कलयुग में तुम्हारे समान कोई देव नहीं होगा। संसार के लोग आपकी पूजन कर सुख पाएंगे, जो आपकी परिक्रमा लगाएगा, दूध चढ़ाएगा, मनवांछित फल पाएगा। ऐसे मेरे गोवर्धन नाथ जी हैं। आप जो 4 दिवसीय, आज चौथा दिवस है लक्ष्मी पूजन का, 3 दिवसीय जो पहले पूजन कर चुके हैं, आज चौथा दिन, जो पूजन की थाली आपने सिक्के रख रखे हैं, उसी पूजन की थाली में जल का छींटा देकर रोली चावल मोली हल्दी से पूजन करना है, लाल पुष्प समर्पित करना है, साथ दो हल्दी की गठान, दो कमल गट्टे, दो तरह का मीठा हो तो वो महाराज आप समर्पित करें, दो अमरबेल के टुकड़े उस थाली में समर्पित करें और निवेदन करें माता लक्ष्मी से, 5 घी के दिए जलाएं, दीप प्रगट करें और माता लक्ष्मी की पूजन अर्चना कर भोग लगाकर माँ से निवेदन करें, माँ हम 5 दिवसीय आपकी आराधना कर रहे हैं जो दीप महोत्सव के रूप में, कृपा करो माँ हमारे घर में धन वैभव लक्ष्मी का भंडार भरो। माँ माता से निवेदन करे और निवेदन करके माँ से तब
पांचों दीप उठाकर आरती करिए माता लक्ष्मी की, और लक्ष्मी माता की आरती कर उन दीपों को, एक जहां गोवर्धन नाथ जी का पूजन आपने करा है एक दीप वहां लगा दीजिए जो सुबह आपने गिरिराज जी का पूजन करा, दूसरा दीप पानी के परिंडे के पास लगा दीजिए जो अंडा आपने पानी का भरा हुआ है, तीसरा दीप घर के हॉल में जो मुख्य द्वार हो उसके पास में, जो मुख्य द्वार हो उसके नजदीक में लगा दीजिए महाराज, चौथा दीप तुलसी के क्यारे के पास लगाइए, पांचवा दीप जहां पर माता लक्ष्मी का पूजन करा है वहां पर विराजमान कर दीजिए। ऐसे पांच स्थान पर पांच दीयों को रखो, थोड़ी देर द्वार के पास में माता लक्ष्मी का आवाहन करो, माता लक्ष्मी से विनती करो, हे माँ आप हमारे घर में सदा विराजमान रहिए, और बाबा गोवर्धन नाथ जी से, गोवर्धन का मतलब होता है गो मतलब लक्ष्मी, वर्धन मतलब वृद्धि, जो लक्ष्मी की वृद्धि करने वाले हैं, जो संपदा के देने वाले हैं, लक्ष्मी को प्रदान करने वाले हैं, ऐसे गोवर्धन नाथ बाबा आप हमारे घर में संपदा की वृद्धि करिए, लक्ष्मी की वृद्धि करिए, बाबा से निवेदन करो। महाराज हे गिरिराज बाबा तेरी कृपा तेरी दया, माता लक्ष्मी की हम पूजन कर रहे हैं, ये भाव रखकर गोवर्धन नाथ जी का पूजन कर स्मरण कर, माता लक्ष्मी का पूजन स्मरण कर, चौथे दिन की जब पूजन पूर्ण हो महाराज तब अपन अगले दिन पांचवे दिवस की पूजन का फिर क्रम लेवेंगे, और कल जब अपन पांचवे दिवस की पूजन करेंगे तो उस थाली के सिक्कों को कहाँ रखना है, कैसे उठाना है, कैसे विराजमान करना है, उसका वर्णन कल की कथा में श्रवण करेंगे। जो आप पांच दिवसीय शिव लक्ष्मी पूजन का स्मरण कर रहे हैं और दीपावली का पावन पर्व पांच दिवस का मना रहे हैं उसकी बहुत बहुत बधाई हो। भगवान भोलेनाथ कुबेर भंडारी कुबेरेश्वर महादेव आपके भंडार भर के रखे। भाव से आज गिरिराज पूजन का चतुर्थ दिवस यहाँ विराम की ओर ले रहा है, कल पांचवें दिवस की कथा का रसोपान करते हुए और पूजन का विश्राम करते हुए माता लक्ष्मी को अपने अपने घरों में विराजमान करेंगे, भावभक्ति से आनंद करते हुए। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो, श्री गोवर्धन गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तोपे पान चढ़े तोपे फूल चढ़े चढ़े दूध की धार, ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रयो, श्री गोवर्धन महाराज। बोल गिरिराज महाराज की, हर हर महाराज।